गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने कृषक समाज का गहन अध्ययन किया। कृषक समाज का अध्ययन करने के अनंतर में ही लघु समुदाय की अवधारणा भी जानना आवश्यक हो जाता है या समाचीन हो जाता है। तो हम लघु समुदाय की अवधारणा को समझेंगे। लघु समुदाय के क्या तत्व हैं, क्या विशेषताएं हैं, इस अवधारणा को किसने दिया और इसका भारतीय समाज के संदर्भ में क्या महत्व है, तो इन सब को समझते हुए सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि कृषक समाज में लघु समुदाय की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। और लघु समुदाय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या इसका विकास रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने चानक्रोम नामक गांव का अध्ययन किया और लघु समुदाय को मानव जाति के निवास की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति, जाति, राष्ट्र, सभ्यता को मानवता के विभिन्न स्वरूप रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण और सरलता से पहचाने जाने वाले वर्ग का निर्माण करते हैं। उनमें लघु समुदाय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी मानवता का जो विषयभूत होता है, वो मानवता का जो विकास होता है, संपूर्ण मानव इतिहास में, संसार के सभी समाजों में हमें लघु समुदाय देखने को मिलते हैं। रेडफील्ड का मानना था कि संपूर्ण मानव इतिहास से लघु समुदाय मानव के समाज का एक महत्वपूर्ण रूप रहा है। नगरों का जब अभिभार्य हुआ, विकास हुआ, उससे पूर्व जब छोटी छोटी बस्तियां थीं, पुराने समय में मानव जाति का अधिकांश भाग गाँव में निवास करता था। बहुत कम संख्या में लोग एक साथ रहते थे या अस्थायी बस्तियों में रहते थे। तो उस समय हमें लघु समुदाय के स्वरूप देखने को मिलते हैं। रेडफील्ड ने लघु समुदाय के विषय में जो किताब लिखी वह द लिटिल कम्युनिटी में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक छोटे आकार का समुदाय जिसमें समूह का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, जिसके सदस्य एक दृढ़ सामुदायिक भावना से बंधे होते हैं, वह लघु समुदाय कहलाता है। वह सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। उन्होंने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय को विस्तृत रूप से समझाया है और लघु समुदाय को स्पष्ट करते हुए बताया है कि लघु समुदाय चार तत्वों से मिलकर निर्मित होता है। वो चार तत्व उन्होंने बताए, विशिष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, जो उसकी विशेषताएं भी कहला सकती हैं, विशेषताएं भी होती हैं। यानी ये चार तत्व हैं जिनके द्वारा हम लघु समुदाय को परिभाषित कर सकते हैं या लघु समुदाय को जान सकते हैं। सबसे पहले रॉडफील्ड बात करते हैं विशिष्टता की। रॉडफील्ड का मानना था कि लघु समुदाय में विशिष्टता का गुण होता है। विशिष्टता का गुण ये होता है कि वो अपने आप में अन्य से पृथक करते हैं या अपने आप में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है। समुदाय के सदस्यों में एक विशिष्ट चेतना पाई जाती है, जिसे हम सामूहिक चेतना की संज्ञा देते हैं, या यूँ कह सकते हैं हम की भावना जो पाई जाती है, सामूहिक चेतना का जो गुण पाया जाता है, वही आपका विशिष्टता का गुण कहलाता है। और ये गुण हमें लघु समुदाय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि एक समुदाय में निवास करने वाले व्यक्तियों का रहन सहन, आवास, निवास,
उनका पशुओं को रखने का स्थान, यहाँ तक कि उनके धार्मिक अनुष्ठान, देवी देवताओं की पूजा आदि सभी क्षेत्रों में एक विशिष्टता पाई जाती है जो उन्हें अन्य समुदाय से पृथक करती है। यानी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो वो गुण केवल उसी समुदाय के में पाए जाते हैं और वो गुण या विशेषताएं उसको अन्य समुदाय से पृथक करती है। इसी को रॉबर्ट रेडफील्ड ने विशिष्टता की संज्ञा दी। और लघु समुदाय के सदस्य को ये भी स्पष्टता ज्ञात होता है कि उसकी समुदाय की सीमा कहाँ है, यानी भौगोलिक सीमा का भी उसे पता होता है और निकट के समुदाय की सीमा कहाँ मिलती है। तो एक तरह से लघु समुदाय अपने आप में सामूहिक चेतना का एक अंग होता है, हम की भावना उसमें पाई जाती है और उसके रहन सहन, खान पीन सब कुछ एक समान होता है जो उसे अन्य समुदाय से पृथक करता है। तो ये विशिष्टता वाले गुण को रेडफील्ड ने महत्वपूर्ण और प्रथम गुण की संज्ञा दी। दूसरा तत्व उन्होंने बात की लघुता का। रेडफील्ड ने लघु समुदाय का दूसरा तत्व लघुता को बताया। उनका मानना था कि लघु समुदाय का आकार छोटा होता है, इतना छोटा कि वह या तो स्वयं व्यक्तिगत अवलोकनकर्ता को की इकाई होता है या उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो समुदाय होते हैं लघु, जैसा नाम से ही प्रतीक हो रहा है, बहुत छोटे होते हैं। छोटे इस स्वरूप में होते हैं कि उनके सदस्य परस्पर प्रत्यक्षता के संबंधों से जुड़े हुए होते हैं, उनके संबंध प्राथमिक होते हैं, वे एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लघु समुदाय का आकार इतना बड़ा नहीं होता जिनमें प्राथमिक संबंधों के अलावा द्वितीय संबंधों का विकास हो, यानी अप्रत्यक्ष सामाजिक संबंध उनमें नहीं पाए जाते, वो प्रत्यक्ष तय आमने सामने के संबंध उनमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से लघु समुदाय का एक महत्वपूर्ण तत्व लघुता भी होती है। तीसरा तत्व जिसकी चर्चा रॉल्डफील्ड ने की, उन्होंने बताया कि लघु समुदाय समरूपता लिए हुए होते हैं। समरूपता मतलब एक समान विशेषताएं लिए हुए होते हैं, जैसे उस समुदाय में रहने वाले लोग अपने क्रियाकलापों या मन स्थितियों में एक से होते हैं, उनकी जीवन वृत्तियां एक सी होती हैं, उनके वेशभूषा, आचार विचार, धर्म, संस्कृति, भावनाएं, मतलब सब उनके जीवन जीने के तरीके में समरूपता पाई जाती है। और उनकी ये विशेषता एक पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रहती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, अर्थात एक पीढ़ी अपनी पूर्व पीढ़ी की ही पुनरावृत्ति मात्र होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है किंतु वो परिवर्तन इतना मंद गति से होता है जो सामान्यतः दिखाई नहीं देता। यानी वो पारस्परिक संबंध जो सामूहिक चेतना से बंधे हुए होते हैं, आपस में विभिन्न सामाजिक संबंध हम की भावना से बने होते हैं और उनकी जो जीवन जीने की कला है, क्रियाकलाप हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, वो लगभग सीमित होती हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीज़ों को हस्तांतरित करते रहते हैं। चौथा तत्व जिसकी चर्चा रेडफील्ड ने की वह है आत्मनिर्भरता का। रेडफील्ड ने स्पष्ट कहा है कि लघु समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं, वे अपने सदस्यों के सब अथवा अधिकांश कार्य और उनकी आवश्यकताओं को वो अवसर अपने समुदाय के अंतर्गत ही संपन्न कर लेते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्वयं ही कर लेते हैं, वह पूर्णतः आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे सदस्यों की समस्त या अधिकांश गतिविधियां जैसे वस्त्र, भोजन आदि ग्राम स्तर पर ही पूर्ण कर लिया जाता है, इसके लिए किसी पर वो आश्रित नहीं होते। इसलिए कहा जाता है लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है। तो इस तरह से ये चार तत्व हैं जिनकी को लेकर रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा को प्रस्तुत किया। रेडफील्ड ने लगभग 37 गांवों का अध्ययन किया था और ये चारों गुण
विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता अधिकांश लघु समुदायों में, अधिकांश ग्रामों में उन्हें देखने को मिले। थोड़ा बहुत उनमें विशेषताओं को लेकर अंतर हो सकता है, पर अधिकांश लघु समुदाय इन चारों विशेषताओं को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तो लघु समुदाय के महत्वपूर्ण तत्व थे। भारत के संदर्भ में लघु समुदाय की अवधारणा को हमें समझना है तो अन्य समाजशास्त्रियों के अध्ययन को भी जानना होगा। रेडफील्ड ने जो लघु समुदाय की जो विशेषताएं या तत्व की प्रचर्चा की, जैसे विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये चारों चीज़ें भारतीय ग्राम में भी समान रूप से सार्थक होती हैं, या भारतीय ग्राम इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए डॉक्टर मजूमदार ने मोहन ग्राम का अध्ययन किया, मैकी मेरिट ने किशनगढ़ी क्षेत्र का अध्ययन किया, एम एन श्रीनिवास ने भारत के मैसूर के ग्रामों को इन विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत किया, एस सी दुबे ने समीरपेट नामक ग्राम का अध्ययन किया, बी आर चौहान ने राजस्थान के गांवों में रणावतों की सादड़ी का अध्ययन किया। और इन अध्ययनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के ग्राम आकार में छोटे होते हैं, संबंधों में पारस्परिक घनिष्ठता लिए हुए होते हैं, यानी उन्हें प्राथमिक संबंधों की प्रगाढ़ता होती है, कुछ अंशों में वो आत्मनिर्भर भी होते हैं, उनमें समरूपता भी पाई जाती है जो कि लघु समुदाय की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में भी लघु समुदाय स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, और जिनका अनेक समाजशास्त्र अध्ययन किया और उनके आधार पर इन चारों तत्वों का उल्लेख कहीं न कहीं किया है। अब लघु समुदाय के अध्ययन का महत्व क्या है कि रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, उनके चार तत्वों की उन्होंने चर्चा की। तो ग्रामीण समाज के अध्ययन में लघु समुदाय का विशेष महत्व है, क्योंकि लघु समुदाय आकार में छोटा होता है, एक पूर्ण इकाई के रूप में इसका अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। कि अगर हमें ग्रामीण समाज को समझना है, विशेषकर भारतीय ग्रामीण समाज को, तो लघु समुदाय को समझना होगा। और लघु समुदाय के अध्ययन का महत्व इसलिए भी है कि ये एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, ये संपूर्ण इकाई का अध्ययन प्रस्तुत करता है, और जो निष्कर्ष वृद्ध समाज के लिए ये अध्ययन महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं। और कम समय में अधिक हम वैज्ञानिक अध्ययन को मितवेवी रूप से इस प्रस्तुत कर सकते हैं, और चूंकि ये सहभागी अवलोकन भी होता है तो इसमें यथार्थता की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो लघु समुदाय के महत्व को हम वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में, एक इकाई के रूप में संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के रूप में, और जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं वह वृद्ध समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी हों, इसके लिए भी इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम कम समय में, कम परिश्रम में, कम संसाधनों में भी इस तरह के अध्ययन संभव तय कर पाते हैं। और चूंकि इसमें हम व्यक्ति सामान्यतः एक जब ग्राम में जाता है तो एक सहभागी अवलोकन के रूप में अध्ययन करता है, तो जो निष्कर्ष हमें जो प्राप्त होंगे वो अधिक यथार्थ होंगे, तार्किक होंगे, वैज्ञानिक होंगे। तो लघु समुदाय का अध्ययन का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। तो ये लघु समुदाय के का महत्व हुआ। हमने पिछले वीडियो में कृषक समाज को भी पढ़ा था, और उसी को लेकर उसी के समाचीन हमने लघु समुदाय की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो इन दोनों अवधारणाओं के आधार पर हम इन दोनों में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। ये अंतर हमें आकार के रूप में दिखाई देता है कि लघु समुदाय बहुत छोटे होते हैं, उनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है, जबकि कृषक समाज आकार में बड़ा होता है, उसमें स्तरीकरण भी विद्यमान होता है,
उनमें सामुदायिक भावना का अभाव होता है। लघु समुदाय में विशिष्टता को लेकर हम अंतर कर सकते हैं कि लघु समुदाय में समरूपता पाई जाती है, सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पे समानता लिए हुए होते हैं, जबकि कृषक समाज में काफ़ी अंतर हमें दिखाई देता है। लघु समुदाय में जहाँ आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाता है, कृषक समाज में आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है। प्राचीनता को लेकर भी इसमें अंतर प्रस्तुत किया जा सकता है कि रेडफील्ड ने इसे मानवता के विकास में प्रथम चरण के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कृषक समाज का विकास बाद में हुआ। सार्वभौमिकता को लेकर भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्नता रखी है, क्योंकि लघु समुदाय की अवधारणा एक सार्वभौमिक है, जबकि कृषक समाज की अवधारणा भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न समाजों में अलग अलग रूपों में यहाँ, क्योंकि एक जीवन की एक विधि के रूप में हमें दिखाई देती है। और परिवर्तनशीलता का जहाँ तक सवाल है, लघु समुदाय में परिवर्तन होता है पर बहुत मंद गति से होता है, तुलनात्मक रूप से कृषक समाज में परिवर्तन हमें ज़्यादा दिखाई देता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृषक समाज की, एग्रियन सोसाइटी की। धन्यवाद।